स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या फिर एंटीरियर लिस्थेसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा कमर में स्पाइन जो होता है वो आगे की तरफ इस तरह से खिसक जाता है। इसमें कमर में दर्द होता है, कई बार पैरों में झुंझुनाहट, सुनापन जैसा भी महसूस होता है। अगर ये कम ग्रेड में है, यानी कि ग्रेड वन या फिर ग्रेड टू में है, तो हम इसे एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन इसको भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसे हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। और जितने भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो कोर एक्सरसाइज है, यानी कि वो हमारे लंबर एरिया यानी कि हमारे कमर एरिया को स्टेबलाइज करता है, वहाँ के मांसपेशियों को मजबूत करता है ताकि वो और आगे ना खिसके। इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एंटीरियर लिस्थेसिस या फिर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे जो स्पाइन है एक के ऊपर एक वर्टिब्रल बॉडीज रहता है, तो हर एक स्पाइन को अपनी जगह में फिक्स रखने के लिए वहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस रहता है और पार्स इंटरकुलर आर्टिकुलरिस एक दूसरे से जॉइंट रहता है, और वही बोन जो है उसे अपने जगह में फिक्स रखता है। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए आप गिर गए या फिर बाथरूम में स्लिप होके गिर गए, ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम है, बाइक में, बसेस में जर्क जो लगता है, तो धीरे 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 वहाँ पे पार्स इंटर आर्टिकुलरिस उसमें फ्रैक्चर आ जाता है और हमारा जो स्पाइन है वो आगे की तरफ खिसक जाता है। वैसे तो ये कई सारे कंडीशन में पीछे की तरफ खिसकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लिस्थेसिस का जो केस होता है उसमें आगे की तरफ हमारा स्पाइन खिसक जाता है, और जिसकी वजह से पेन होता है, और अगर नस वस अगर दब जाए वहाँ से तो हमारे पैरों में झंझनाहट, सूनापन तक महसूस होता है। तो जो ब्रिजिंग एक्सरसाइज है उसमें करना क्या है कि आपको इस तरह से लेट जाना है, दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेंगे, हाथों को बगल में रख देंगे, और फिर आप अपने कमर को इस तरह से उठाएंगे। अब जितना ऊपर हो सके उठाएं, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5, फिर आप रिलैक्स कर दें। फिर इसे रिपीट करें, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर आप रिलीज़ कर दें। इससे होगा कि आपके कमर के पीछे वाला जो मांसपेशियां हैं वो इससे स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। इसे आप कम से कम 15 से 20 बार करें, वैसे आप इसे जितना करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वो आपको इसी पोजीशन में करना है। आप इसी पोजीशन में रहेंगे, आपका घुटना बेंड रहेगा, आपका फुट फ्लैट रहेगा बेड पे, और उसके बाद फिर आप एक पैर को इस तरह से उठा देंगे, एक हिप को बेंड करेंगे, फिर आप अपने हाथों से थाइज़ के पीछे में इस तरह से होल्ड करेंगे, और फिर इसे आप चेस्ट की तरफ पुल करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड तक पुल करके रखना है, फिर आपको रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। इसे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। फिर से आप इसे रिपीट करेंगे, इसे 10 सेकंड तक इस तरह से होल्ड करके रखना है। आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा, जितना हो सके जहाँ तक हो सके उसको पुल करके रखें, और फिर इसे रिलैक्स छोड़ दें, ठीक है। उसी तरह से दूसरा साइड भी आप करें, पुल करें, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह से एक एक पैर में आप 10-10 बार करेंगे, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है वो ग्लूटियल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हमारे बटक्स के आसपास जो मांसपेशियां है उसको हमें स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए आपको एक पैर को सीधा रख देना है, और जिस साइड आपको स्ट्रेच करना है उसे आप उस घुटनों को आप मोड़ देंगे, ठीक है। फिर इस पैर को उठा करके आप अपने नी के थोड़ा सा ऊपर में, अगर दूसरा जो पैर है उस दूसरे पैर के नी, फिर आप इस पैर को उठा करके ऑपोजिट पैर के नी के थोड़ा सा ऊपर में, हल्का सा ऊपर में उसे रख देंगे, और फिर आप इसे अपने दोनों हाथों से नी को इस तरह से ग्रैब करेंगे, और फिर इसे चेस्ट की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, आधा मिनट तक होल्ड करके रखना है, ठीक। फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप दूसरे तरफ करेंगे, इसे होल्ड करेंगे और फिर अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे, 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। इसे आप 3 से 4 बार एक सेशन में करना है मिनिमम,
ओके, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसलिए 3 से 4 बार ही आप करेंगे, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको साइड लाइंग में आ जाना है, इसे हम लोग ब्रिजिंग इन साइड लाइंग कहते हैं। साइड लाइंग पोजीशन में आपको इस पोजीशन में आ जाना है और फिर आपका हिप को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये देखिए मेरा हिप स्ट्रेट है, मैंने अभी इस तरह से रखा था अपने घुटनों को या हिप को, अभी मैं इसको पूरी तरह से स्ट्रेट कर दूंगा। फिर इस पोजीशन में आपको अपना ऊपर वाला हाथ कमर के ऊपर रखना है और फिर इस तरह से उठाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 फिर रिलैक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। 5-5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगर इस तरफ अगर 10 बार हो गया है तो फिर आप दूसरी तरफ टर्न हो जाएं और फिर दूसरी तरफ भी आप 10 बार इसे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। तो इसे 10-10 बार एक एक साइड में करेंगे, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में। अगला जो एक्सरसाइज है हम लोग बर्ड डॉग एक्सरसाइज कहते हैं, इसके आपको इस पोजीशन में आ जाना है, डॉगी पोजीशन में, ठीक है। इस पोजीशन में आपको एक हाथ को सीधा उठाना है, मान लीजिए मैं अपना लेफ्ट हैंड को सीधा उठाता हूँ तो अपने राइट लेग को सीधा उठाऊंगा इस तरह से। ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड और राइट लेग, इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखूंगा फिर रिलैक्स, ठीक है। उसी तरह से राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग 5 सेकंड होल्ड करके रखना है, रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज में और थोड़ा सा वेरिएशंस आप ऐड कर सकते हैं, आपको हाथ को उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेग को उठाएंगे, नी पूरा सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इससे भी देखिए हमारे कमर की जो मांसपेशियां हैं उसको काफ़ी मजबूती मिलेगा। 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो दोनों एक्सरसाइजेस को हर एक साइड में 10-10 बार मिनिमम आप करेंगे तो यानी कि 20 बार हो जाएगा एक एक्सरसाइज को। तो दोनों एक्सरसाइजेस को आपको एक एक साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में 10 बार और राइट साइड में 10 बार करना है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मैं दूसरे कमर दर्द के एक्सरसाइजेस में भी इसे मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसमें आपको पेट के बल इस तरह से लेट जाना है और फिर अपने छाती को इस तरह से उठाना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम लोग कोबरा पोज भी कहते हैं। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है फिर रिलैक्स छोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ठीक है। एक सेशन में कम से कम 10 बार ये एक्सरसाइज को करेंगे। तो लिस्थेसिस का अगर कम ग्रेड है तो ये एक्सरसाइजेस आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ वो मूव कर गया है, स्लिप कर गया है, तो कई बार इसमें एक्सरसाइज सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। ये आपके सर्जन बेटर डिसाइड करेंगे आपका ग्रेड क्या है या फिर आपका को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। ये एक्सरसाइजेस आप फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको दर्द में भी आराम होगा और इससे आपका प्रॉब्लम भी जहाँ पर है वहीं पे वो अरेस्ट हो जाएगा, आगे की तरफ और प्रोग्रेस नहीं करेगा। अगर साथ इसके साथ साथ अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, आपके आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो इसको मैन्युअली मोबिलाइज करेंगे और उसे अपने पोजीशन में लाने का कोशिश करेंगे और साथ में अगर ट्रैक्शन भी देते हैं जिसमें कमर को खींचता है इस तरह से, उससे भी इसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी जा करके विजिट करें।